दोस्तों, जो लोग आज ये बोल रहे हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यही सपोर्ट जब दाऊद इब्राहिम, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसों को मिलती है, तब ये क्यों नहीं बोला जाता कि उन्हें सपोर्ट सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि वो एक खास मजहब से, बजाय कि यार ये हिंदू बरादरी से है तो जो हिंदू लोग हैं उसकी सपोर्ट शुरू कर देंगे, मतलब ये चीजें नहीं होती होनी। भाई जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मुस्लिम होते ही ऐसे हैं, वो एक दो बंदे के में ऐसा होने से तो किसी के मजहब के बारे में इस तरह से नहीं बोला जाए कि भाई। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक ब्रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की। तो भाई लॉरेंस बिश्नोई के मैटर में जो है अब हिंदू और मुस्लिम जो है आगे आए, ये हिंदू डॉन है या मुस्लिम डॉन है, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई में मतलब कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई ये हिंदू मतलब वो बंदा है इसलिए इसको हिंदू ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और अब इसमें जैसे दाऊद इब्राहिम वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई का मैटर चलने लग गया है, तो इसी के बारे में आरजे रौनक इस वीडियो में जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई, और इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज भी बताएंगे वो। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 सीरियल ब्लास्ट होते हैं। इन हमलों में 257 लोग मारे जाते हैं और 700 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। ये हमले भारत के बाहर बैठे दाऊद इब्राहिम और उनकी डी कंपनी ने करवाए थे। हमले के बाद उस वक्त महाराष्ट्र के सीएम का स्टेटमेंट आता है कि मुंबई में 12 नहीं 13 जगह पर ब्लास्ट हुए थे। कुछ साल बाद यही नेता अपनी किताब में खुलासा करते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ये झूठ बोला था ताकि ये लगे कि इन धमाकों में सिर्फ हिंदुओं को टारगेट नहीं किया गया। रॉ के फॉर्मर ऑफिसर एन के सूद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस मुख्यमंत्री ने उस वक्त हमले को लेकर झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम का काफी करीबी था। बाद में इस मुख्यमंत्री ने अपनी एक पार्टी बना ली। उस वक्त इनकी पार्टी के बहुत सारे नेता दाऊद के गुंडों से मिले हुए थे और इन लोगों की शह पर दाऊद सारे क्राइम करता था, ऐसा उन्होंने बोला। अब एक दूसरी कहानी सुनिए। 2005 में जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद की शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी से दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाली थी। इंडियन एजेंसीज को लगता था उस वक्त कि ये बहुत सही मौका है दाऊद को पकड़ने का। तब एजेंसीज ने उस बारे में उस वक्त की यूपीए सरकार से परमिशन मांगी तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि ना आप लोगों को जो करना है करिए, हमें शामिल मत करिए। इसके बाद एजेंसीज ने सोचा कि चलो ये काम छोटा राजन से करवाते हैं जो एक टाइम में दाऊद के बड़े क्लोज था। यही वो टाइम था जब जनवरी 2005 में आज के एनएसए आईबी चीफ के अपने पद से रिटायर हो गए थे। तब एजेंसीज ने उन्हें इस ऑपरेशन की कमान सौंपी थी। डोभाल साहब ने ऑपरेशन की पूरी तैयारी करी। छोटा राजन के दो साथियों विकी मल्होत्रा और फरीद को कॉन्टैक्ट किया गया, उनके पासपोर्ट तैयार किए गए, उन्हें भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई। डोभाल साहब विकी मल्होत्रा और फरीद को फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे, मगर तभी मुंबई पुलिस का एक डीसीपी वहां आता है और इन दोनों एजेंट्स को गिरफ्तार कर लेता है। डोभाल साहब इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं मगर वो डीसीपी उनकी नहीं सुनता और वो दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। इसके चलते इतना बड़ा ऑपरेशन बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। इस पूरी घटना का जिक्र करते हुए रॉ के फॉर्मर ऑफिसर एन के सूद ने कुछ वक्त पहले एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया था। सूद साहब ने यह बताया कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आईबी का इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला हो और एक डीसीपी फॉर्मर आईबी चीफ की मर्जी के खिलाफ किसी को अरेस्ट कर ले। इसका मतलब क्लियर था कि उस डीसीपी पर उस वक्त महाराष्ट्र के किसी बड़े पॉलिटिशियन का प्रेशर था। उस पॉलिटिशियन के पास उसके सोर्सेस के थ्रू दाऊद के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की जानकारी पहुंच गई और इससे पहले कि आईबी कुछ कर पाती उसने ही यह सारा ऑपरेशन डिस्टर्ब करवा दिया। वेल, वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये दोनों किस्से इसलिए बताया क्योंकि इसके पीछे अपनी वजह है। आज जो लोग लॉरेंस को हिंदू बताकर उसके नाम की छाती कूट रहे हैं, उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जब दाऊद इब्राहिम जैसे लोग मजहब के नाम पर पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे थे, तब क्या किसी को उसका धर्म नजर नहीं आया? अभी तो ऐसे दो ही किस्से सुना है, मगर ऐसे दो नहीं 200 किस्से हैं जो आपका सिर शर्म से नीचा कर देंगे। और दाऊद ही नहीं, अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन तक ऐसे बीसियों माफिया हैं जिनके किसी एक क्राइम पर भी इस दोगली जमात की कभी जबान नहीं खुली। तो दोस्तों, जो लोग आज ये बोल रहे हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यही सपोर्ट जब दाऊद इब्राहिम, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसों को मिलती है, तब ये क्यों नहीं बोला जाता कि उन्हें सपोर्ट सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि वो एक खास मजहब से? वेल, लॉरेंस को रॉ सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसे सरकार सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। उस दाऊद को बचाने के लिए कैसे एक नेता आईबी का ऑपरेशन तक रुकवा देता है, ये सबको मालूम है। वो भी उस दाऊद को बचाने के लिए जिसने भारत में 93 के मुंबई धमाके करवाए, 2008 में 26/11 के मुंबई अटैक करवाए, पुणे की जर्मन बेकरी में ब्लास्ट करवाकर 60 लोग मरवाए और 2013 में आईपीएल में मैच फिक्सिंग कांड करवाया और इसके अलावा भी न जाने कितने लोगों को मरवाया, कितनों से वसूली की, कितनों को ड्रग सप्लाई की। वो दाऊद जिसे भारत ही नहीं अमेरिका ने भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल रखा।
रखा है और जिस पर आज भी 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। अब आप ही सोचिए, उस दाऊद को भारत के ही नेता सपोर्ट करते थे, बचाते थे, उसके काले कारनामों में उसके हेल्प करते थे। महाराष्ट्र का ये नेता ही नहीं, इसके अलावा गुजरात का एक और बड़ा लीडर जो एक टाइम पे एक सबसे पुरानी पार्टी के प्रेसिडेंट का सलाहकार हुआ करता था, वो भी दाऊद का बड़ा क्लोज था और गुजरात में दाऊद का जितना कारोबार था वो सब उन्हीं की मदद से चलता था। यही रीजन है कि 93 से लेकर 2011-12 तक देश में दर्जनों बम ब्लास्ट हुए। इन ब्लास्ट में हजारों लोग मारे गए। हमने यूपी के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह जी से अपने पॉडकास्ट पे बात की थी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे दो सिपाही अतीक के घर पर किसी मामले में पूछताछ करने चले गए थे। इस बात से अतीक को इतना गुस्सा आया कि उसने उनमें से एक सिपाही को तड़पा तड़पा के मार दिया और उसके टुकड़े करके सड़क पर फेंक दिए। इतना ही नहीं, उस टाइम के सीएम ने अतीक से हाथ जोड़कर ये बोला कि अतीक भाई आप दूसरे सिपाही को छोड़ दें। विक्रम सिंह जी ने हमें यह भी बताया कि किस तरह उस वक्त के मुख्यमंत्री ने अतीक के कुत्ते के साथ हाथ मिलाया था और उस सीएम की वो तस्वीर अखबारों में छपी थी। इस पॉडकास्ट को आप मिस मत करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, देखिएगा जरूर। लेकिन एक बार जरा सोच कर देखिए कि इस खूंखार क्रिमिनल जिसके गुर्गे किसी से भी वसूली कर लेते हैं, किसी भी राह चलती लड़की को उठा लेते हैं, किसी का भी मर्डर कर देते हैं और उस स्टेट का सीएम बजाय ऐसे लोगों को जेल में डालने के उस अपराधी के उस क्रिमिनल के कुत्ते के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्यों खिंचवा रहा है? क्योंकि उसे उसकी कौम के वोट चाहिए, क्योंकि उसे उस गुंडे से अपने काम निकलवाने। हैरानी और शर्म की बात है कि मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद और शहाबुद्दीन तक सालों तक ये लोग गुंडे ही फैलाते रहे, हमारे मेन स्ट्रीम नेता उनके पैरों में पड़े रहे ताकि इन दो कौड़ी के गुंडों की कौम के वोट इन्हें मिल पाए। तब किसी को इसमें मजहब का एंगल नजर नहीं आया। उल्टा जब अतीक अहमद जैसों का एनकाउंटर हुआ तो ये सब ऐसे चिल्लाने लगे जैसे कोई गौरक्षक गुंडों के हाथों मारा गया हो। वहीं आज एक सीएम अगर ये बोल रहा है कि मैं सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, हमारे कल्चर में ना मरे लोगों की बुराई करने का चलन नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इसी अतीक का खौफ इतना था कि 11-11 जजों ने इसके केस सुनने से मना कर दिए थे। इस दाऊद का खौफ इतना था कि इससे पूछे बिना फिल्मों में हीरो नहीं लिए जाते थे। उस वक्त बड़े बॉलीवुड स्टार्स को इसके दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती थी और जो इसकी बात नहीं सुनता था उसका वही हश्र होता था जो गुलशन कुमार जी का हुआ था। मगर लॉरेंस के खिलाफ बोलने वाले ये बेशरम लोग उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। हम साफ कर दें कि, और पहले भी हमने बोला है कि हमारी लॉरेंस बिश्नोई या किसी गैंगस्टर से कोई हमदर्दी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए बॉस। लेकिन टेररिज्म की तरह जो लोग गैंगस्टर की बुराई करने से पहले ये देखते हैं कि उसका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, उनको जरूर शर्म आनी चाहिए। और आज का वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। यही सेक्शन आज लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी को इस तरह से देख रहा है कि वो हिंदू है इसीलिए उसके अपराधी होने को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे चंपुओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई यहां बात हिंदू या किसी और धर्म की नहीं है, बात यह है कि भारत कोई नॉर्थ कोरिया तो है नहीं जहां लोग अपनी मर्जी से कोई गाना भी नहीं सुन सकते। ये एक डेमोक्रेसी है। यहां इंजीनियर राशिद जैसा अलगाववादी और भारत विरोधी आदमी भी जेल से लोकसभा का इलेक्शन जीत जाता है। अमृतपाल को भी जेल से 4 लाख वोट मिल जाते हैं और वो जीत जाता चुनाव। अब ये दोनों कानून की नजर में अपराधी हैं या यूं कहें कि आरोपित हैं, तभी तो जेल में, फिर भी जनता इन्हें चुनाव में जिता रही है। यही बात गैंगस्टर्स को भी लेकर है। भाई उनके अपराधी होने का उनकी लोकप्रियता से उनकी पॉपुलैरिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। वो गलत काम करते हुए भी पॉपुलर हो सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई बेशक कानून की नजर में अपराधी है मगर जो लोग उसको पसंद करते हैं उनके पास अपने लॉजिक है। हम उन लॉजिक्स को सही या गलत नहीं मानते मगर इतना जरूर है कि इसे उसके हिंदू होने से नहीं जोड़ना चाहिए और आप नहीं जोड़ सकते। मगर यहाँ भी कुछ लोगों की बेशर्मी और हिपोक्रेसी साफ दिखती है। लॉरेंस जैसों के फेवर में अगर दो लोग भी खड़े हो गए हैं तो एक कौम ने उसे उनके धर्म से जोड़ दिया है, लेकिन देश के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम जैसों पर तो आज तक 5-5 फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी है। अभी पिछले साल ही नेटफ्लिक्स पर एक और वेब सीरीज आई थी, मुंबई मेरी जान, वो भी दाऊद की लाइफ पर बनी थी। इस वेब सीरीज को भी फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया था। इससे पहले 2007 में शूट आउट एट वडाला फिल्म आई थी, वो भी दाऊद की लाइफ से के कुछ इंसिडेंट्स पर बेस्ड थी जिसमें अनिल कपूर और जॉन इब्राहिम मेन रोल में थे। 2017 में दाऊद की बहन हसीना पारकर की लाइफ पर इसी नाम से एक मूवी आई थी। इसके अलावा निखिल अडवाणी की डी डे और इमरान हाशमी की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्में भी दाऊद के आसपास बनी थी। और इन फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों में ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो सीधे दाऊद इब्राहिम पर बेस्ड है। मेरा क्वेश्चन ये है बॉस कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर तो सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं, उसी से एक सेक्शन को उनका धर्म दिखने लगा है कि देखो इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन्हें ऑब्जेक्शन होने लगा है कि उसे हीरो क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन दाऊद का महिमा मंडन तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स फिल्में बना बनाकर लगातार कर रहे हैं, उसका क्या? मतलब जो आदमी घोषित तौर पर आपके देश का दुश्मन है उसे एंटी हीरो दिखाकर भी आप उस पर कोई मूवी कैसे बना सकते हो? ऐसा करके कहीं ना कहीं आप उस आदमी के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे हो, उसी के क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हो। तब तो कोई नहीं कहता कि दाऊद पर मूवी इसलिए बनाई जा रही है ताकि उसे हीरो मानने वाली एक कौम के दर्शकों को थिएटर लाया जा सके। मगर लॉरेंस पर किसी ने एक पोस्ट भी लिख दिया तो इन्हें उसका धर्म नजर आने लगा। अरे यही याकूब मेमन था, 93 के मुंबई धमाकों के लिए दोषी पाया गया था, उसे फांसी की सजा दी गई थी मगर बेशर्मों और वामपंथियों की कौम उसकी फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट तक चली गई।
मतलब जिस आदमी पर इल्जाम था कि 93 के धमाकों में उसने साथ देकर 250 लोगों की जान ली, ये उसे बचाने सुप्रीम कोर्ट चले गए। इतना ही नहीं, उसका जनाजा निकला तो उसमें भी हजारों लोग शामिल थे। तब किसी ने नहीं कहा कि एक आतंकवादी के जनाजे में इतने लोग शामिल होकर क्या साबित कर रहे हैं? क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तो क्या हुआ, उसने सैकड़ों लोगों की जान ली, वो तो हमारे लिए हीरो है? पर यहां पर लॉरेंस के केस में उसको धर्म से कनेक्ट कर दिया गया, वो भी इतने आराम से। थोड़ा शर्म करना चाहिए बॉस, मतलब शक्ल कैसी भी हो ऊपर वाले को तो दिखानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो ये बात भी अच्छे से समझ लीजिए, मैं वीडियो में 10वीं बार दोहरा रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई अगर गैंगस्टर है तो उसे कानून के हिसाब से सजा मिले, लेकिन उसके 2-4 सपोर्टर्स को आगे रखकर प्लीज ये ढिंढोरा मत पीटो कि वो तो हिंदू डॉन है। जब इतने सालों तक तुम दूसरे मजहब के डॉन पर कुछ नहीं बोले, जब इतने धमाकों के बाद आज तक तुम आतंकवाद का धर्म नहीं ढूंढ पाए हो, तो एक गैंगस्टर के सामने आने पर उसकी कुंडली और गोत्र चेक करना बंद करना चाहिए। कम से कम मेरे को तो यही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज ज्यादा। अच्छा, ये एक चीज बड़ी ना इसके ऊपर वैसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। कि सबसे पहली बात ये है कि जो मतलब आतंक होता है ना, जो गैंगस्टर होते हैं, इनका कोई मजहब नहीं होता। नहीं होता। क्यों, कौन सा मजहब है दुनिया में जो आपको आतंकवादी या इस तरह का ये चीजें सिखाता है? कोई भी नहीं सिखाता, कोई भी नहीं सिखाता। बल्कि हर मजहब में रोकते हैं। लेकिन असल में होता क्या है कि हम अगर कोई मुसलमान जो है वो गलत काम कर रहा है, वो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, तो हम कहते हैं जी सारे मुसलमान ऐसे हैं। अगर कोई हिंदू कर रहा है, हम कहेंगे सारे हिंदू ऐसे हैं। अगर कोई कौम का कर रहा है तो क्रिश्चियन कर रहा है, तो हम कहेंगे जी क्रिश्चियन ऐसा है। मतलब टारगेट आप, एक बंदा जो है उसका माइंड क्या है, वो क्या कर रहा है, आप उस बंदे को बुरा कह सकते हैं? उसके मजहब को तो नहीं कुछ कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, उसके मजहब को तो कभी। फिर एक चीज बड़ी बेतुकी है, ये एक चीज बड़ी बेतुकी है कि अगर कोई मुसलमान मतलब है ना, उसने कोई गलत काम किया, तो बजाय इसके के उसको सजा देने के, कुछ लोग होते हैं उसकी सपोर्ट शुरू कर देंगे। कोई हिंदू है, उसने गलत काम किया, तो उसको बजाय के यार ये हिंदू बरादरी से है तो जो हिंदू लोग हैं उसकी सपोर्ट शुरू कर देंगे। मतलब ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। मतलब इंडिया जैसे देश में स्पेशली जहाँ पर डेमोक्रेसी इतनी तकड़ी है कि एक चाय वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, एक हर आप हिस्ट्री उठाकर देखें इंडिया की, वहां पर प्राइम मिनिस्टर की अगर आप लिस्ट उठाएंगे उसमें आपको सारे मिलते हैं। उसमें आपको मुसलमान भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, दूसरी कौम में, मतलब सारे लोग जो हैं वो उसमें मिलते हैं। तो मतलब ये कि यार एक बंदा, एक बंदे को तो आप टारगेट अच्छा बुरा कह सकते हो, लेकिन उसके बिहाफ पर आप उसके मजहब को नहीं जज कर सकते। आप ये जो बंदा किसी मतलब हो तो उसका मजहब नहीं, मतलब लोग बोलते हैं इस मजहब के लोग होते ही ऐसे, जैसे इस्लाम के बारे में ये जो दाऊद इब्राहिम है वो तो मुस्लिम है, ठीक है, लोग बोलते हैं कि भाई ये मुसलमान है, मुसलमान, जैसे कि मुसलमानों को टेररिस्ट लोग बोलते हैं कि भाई ये टेररिस्ट है, ये है, वो है। तो मैं, मेरे भी यही बात है कि भाई जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मुस्लिम होते ही ऐसे हैं, वो एक दो बंदे के हमें ऐसा होने से, तो किसी के मजहब के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि भाई ये मजहब ही ये सिखाता है। कोई किसी का मजहब ये सिखा सकता है कि आप किसी की अम्मी जान लो? कोई सिखाता है मजहब? इस दुनिया में कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो ये सिखाता हो कि भाई किसी की जान लेना से ना स्वाब मिलता है। मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि भाई किसी की एक जान मतलब लेना तो ऐसा बोला गया कि पूरी इंसानियत का कत्ल है ना, ऐसा ही है ना, सही बात है। और लॉरेंस बिश्नोई का भाई किसी भी मतलब टेररिस्ट हमले में जो होता है ना, नाम नहीं, जैसे हमें उसका नाम है ना, वो जो दाऊद इब्राहिम है उसका, तो बड़े बड़े जो मुंबई में अटैक हुआ उसमें नाम है उसका, उसने कितने वही हुआ है, बात है भाई, गैंगस्टर का कोई ज्यादा धर्म नहीं होती, गैंगस्टर हो गए तो इसमें लॉरेंस बिश्नोई आ गया, लॉरेंस बिश्नोई छुटा है दाऊद इब्राहिम तो, मतलब भाई आज भी वो तो बड़ा है, ये तो उन्होंने सैकड़ों हजारों आदि मरवाए, इतने बलात्कार करवाए, वो तो मतलब उसका कोई नहीं निकलता भाई, है वो भी इतना बुंडा से वो न्यू है, न्यू है, मतलब इसके नाम पर तो पिक्चर बढ़ाई है बहुत सारी, पांच पिक्चर बन गई उसके नाम पर, तो और फिर भी लोग कोई नहीं ना कहता को उस धर्म का है। हाँ, आतंकवादी रे लगा दे उसके ऊपर के बढ़ाओ पिक्चर, ये कौन बोल रहा है हिंदू रिलीजन लाकर, वो हमें पहले ही पता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। यस ही इज अ हिंदू एंड ही इज प्राउड टू बी अ हिंदू एंड वी आर प्राउड दैट ही इज अ हिंदू। वो किसी भी इंसान को इसलिए नहीं अटैक करता ड्यू टू रिलीजन की वजह से नहीं, वो कर रहा जिन्होंने गलत किया है, जो घटिया लोग हैं, जो कानून का फायदा उठाते हैं और गलत काम करते हैं, पावर का मिसयूज कर रहे हैं, उनके साथ कर रहा है, जिन्होंने उसके अपनों को उनके लोगों को या उनके साथ कोई दुश्मनी ली है, पहले उन्होंने दुश्मनी ली,
उसके बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई उनको जवाब देता है। अमेजिंग किस्म की वीडियो थी, मतलब उनका जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा वो मुझे यही लगा कि देखिए किसी भी गैंगस्टर का या किसी भी इस तरह के इंसान का जो है वो धर्म के साथ बिल्कुल भी लेना देना नहीं होता, यानी कि कोई धर्म की वजह से कभी भी कोई गैंगस्टर नहीं बनता और कोई भी, ये बात गलत है। और उन्होंने कहा जिस तरह से, मतलब वो उस खुले में बता रहे थे कि मैं लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसमें अगर देखा जाए कि एज अ हिंदू होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग उस चीज़ बात को उठा रहे हैं या उस तरह से, तो ये बात गलत है। क्योंकि किसी जैसे अतीक अहमद अंसारी को लेकर बताया, क्योंकि इनका आपने देखा होगा नहीं, जैसे मूवी का भी बताओ, मेरे को ये लगता था कि मतलब अरे पूरी ऐसे और मूवी में ग्लोरीफाई कर देते हैं पूरा दाऊद को कि पता नहीं क्या ही वो, इसका तो छोड़, ये तो हाल ही में भी मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को कहते हैं मसीहा था। नहीं, एक वो नहीं थी कि एक को करोगे और पैदा होंगे हम, तो ये वो भाई, ये इन्होंने भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि टेररिज्म हो या कुछ हो, आप अगर उसकी आड़ में अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हो ना, नहीं कर सकते।